नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं रॉटवाइलर और सेंट बर्नार्ड के बीच में। कंपैरिजन करके देखेंगे कि दोनों में से कौन सा डॉग ब्रीड ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग ओरिजिन का बात करेंगे। रॉटवाइलर का ओरिजिन जर्मनी से है, तो वहीं सेंट बर्नार्ड का ओरिजिन स्विट्जरलैंड से है। साइज, रॉटवाइलर लार्ज साइज की डॉग ब्रीड होती है, तो वहीं पे सेंट बर्नार्ड जाइंट साइज के डॉग ब्रीड होते हैं। ग्रूमिंग, रॉटवाइलर्स को बहुत ही कम ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वहीं सेंट बर्नार्ड को एवरेज से थोड़ी ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनका कोट थोड़ा डेंस होता है। यूजर्स रेटिंग, रॉटवाइलर को यूजर्स रेटिंग में 4.5 मिले हैं आउट ऑफ 5, वहीं सेंट बर्नार्ड को 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग मिली है। कलर्स, रॉटवाइलर ब्लैक, टैन, रस्ट और महोगनी कलर में आते हैं, तो वहीं सेंट बर्नार्ड ब्लैक, रेड, वाइट, ब्राउन, ब्रिंडल और ट्राई कलर में आते हैं। पॉपुलैरिटी रैंक, रॉटवाइलर का पॉपुलैरिटी रैंक 8 है, वहीं सेंट बर्नार्ड का पॉपुलैरिटी रैंक 48 है। प्राइज, रॉटवाइलर का एक पपी आपको 15,000 to 25,000 के बीच में मिल जाएगा, तो वहीं सेंट बर्नार्ड का एक पपी आपको 18,000 to 30,000 के बीच में मिल जाएगा। हाइट, रॉटवाइलर्स में मेल्स की हाइट 61 सेंटीमीटर टू 69 सेंटीमीटर तक की हो सकती है, और फीमेल्स में 56 सेंटीमीटर टू 63 सेंटीमीटर तक की हो सकती है, तो वहीं सेंट बर्नार्ड में दोनों की ही हाइट 60 सेंटीमीटर टू 72 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। प्लेफुलनेस, रॉटवाइलर्स को खेलना कूदना बहुत पसंद होता है, तो वहीं सेंट बर्नार्ड को खेलना कूदना उतना पसंद नहीं होता है, क्योंकि इनमें एनर्जी लेवल बहुत ही कम होता है और ये लेजी होते हैं। कोट, रॉटवाइलर्स में हेयर की कोट थोड़ी डेंस होती है, यानी नॉर्मल से थोड़े बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, तो वहीं सेंट बर्नार्ड में हेयर की कोट डेंस और रफ होते हैं, यानी रॉटवाइलर से भी बड़े बड़े हेयर्स होते हैं। वेट, रॉटवाइलर्स में मेल की वेट 43 केजीस टू 60 केजीस तक की हो सकती है, तो वहीं फीमेल्स में 38 केजीस टू 55 केजीस तक की हो सकती है, तो वहीं सेंट बर्नार्ड में दोनों की ही वेट 50 केजीस टू 90 केजीस तक की हो सकती है। ट्रेनेबिलिटी, रॉटवाइलर को ट्रेन करना बहुत ही इजी होता है, तो वहीं सेंट बर्नार्ड को ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि ये कोई भी कमांड इजीली नहीं सीखते हैं। इंटेलिजेंस रेटिंग, रॉटवाइलर को जहाँ इंटेलिजेंस रेटिंग में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग मिली है, तो वहीं सेंट बर्नार्ड को 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग मिली है। इसका मतलब ये है कि रॉटवाइलर बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, जबकि सेंट बर्नार्ड उतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। बार्किंग, रॉटवाइलर और सेंट बर्नार्ड दोनों ही बहुत ही कम बार्क करते हैं। टेम्परामेंट, रॉटवाइलर की टेम्परामेंट इंडिपेंडेंट, प्रोटेक्टिव, अलर्ट, करेजियस, इंटेलिजेंट, लॉयल, फियरलेस और गुड नेचर्ड होती है, तो वहीं सेंट बर्नार्ड की टेम्परामेंट इंडिपेंडेंट, हैप्पी, फ्रेंडली, जेंटल, गोइंग, सोशल और क्वाइट होती है। वॉचडॉग एबिलिटी, रॉटवाइलर जहाँ वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट वॉचडॉग है, तो वहीं पे सेंट बर्नार्ड बिल्कुल भी अच्छे वॉचडॉग नहीं होते हैं। बाइटिंग पोटेंशियल, रॉटवाइलर की बाइटिंग पोटेंशियल बहुत ही हाई होती है, यानी ये स्ट्रेंजर्स या किसी भी दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं, तो वही सेंट बर्नार्ड बहुत ही कम काटते हैं, ये बहुत ही रेयर केस में ही किसी आदमी पर अटैक करते हैं। सोशल नीड, रॉटवाइलर्स को बहुत ही ज़्यादा सोशलाइजेशन करवाने की ज़रूरत होती है,
क्योंकि समटाइम्स ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और डेंजरस हो जाते हैं, जबकि सेंट बर्नार्ड के साथ ऐसा कोई बात नहीं है। इनको सोशलाइजेशन ना भी करवाए तो कोई दिक्कत नहीं आते हैं, क्योंकि ये एग्रेसिव नहीं होते हैं और फ्रेंडली बहुत ही ज़्यादा होते हैं। सेडिंग लेवल, रॉटवाइलर्स मॉडरेटली सेड करते हैं, यानी एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा, तो वहीं सेंट बर्नार्ड बहुत ही सेड करते हैं। तो यारो, आज का कंपैरिजन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को ये दोनों में से कौन सा ब्रीड ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। बाय बाय।